कन्नौज के जलालाबाद विकास खंड के दानेहार प्राथमिक विद्यालय में कहने को तो करीब 80 छात्र छात्राएं विद्यालय में पंजीकृत हैं, लेकिन ये मासूम नौनिहाल एक अनजान बड़े खतरे के बीच पढ़कर अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। प्रदेश में कई बार सरकार बदली, लेकिन दानेहार प्राथमिक विद्यालय की जर्जरता नहीं बदली। विद्यालय आज भी जर्जर हालत में खड़ा किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा है। विद्यालय का भवन कई सालों से जर्जर है, बरसात में छतों से पानी टपकता है। स्कूल के टीचर, ग्राम प्रधान सब विद्यालय की जर्जर हालत पर लिखा पढ़ी कर चुके हैं, लेकिन आलम यह है जिला अधिकारियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हर साल विभाग में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन ये कागजों में ही कर्ज हो जाते हैं। जर्जर भवन इसी तरह मासूम छात्रों और शिक्षकों को डराते रहे हैं। प्रधान का भी मानना है कि जिले के आला अधिकारी अभी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मासूम बच्चों के परिजनों का कहना था कि उनकी परिस्थिति उनको मजबूर कर रहे बच्चों को मौत के साए में पढ़ाने के लिए। विद्यालय की हालत से कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम कटवा लिए हैं, जिसके चलते विद्यालय में मात्र 80 बच्चे ही रह गए हैं। दाने वो तो है, हालत खराब तो है उसकी। हमने इसको लिखा दिया, पूरा चटका हुआ है, पूरा मकान, पूरा विद्यालय, दीवारें आर पार इधर उधर है, कहीं कहीं गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसकी लिखा सूचना भी करी गई, दी गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। बच्चे तो उसी में बैठते हैं, इधर उधर बैठते हैं, या छाया हो, लेकिन अगर कभी गिर जाएगा, हादसा हो जाएगा, तो बच्चे तो बैठे हैं उसमें। जिम्मेदारी किसकी होगी? जो साफ प्रशासन की होगी, जो हम लोग लिख के दे चुके हैं। इंतजार कर रहा है क्या? अब प्रशासन पता नहीं इंतजार कर रहा है, मुआवजा इंतजार करता क्या करता, वो तो वो जाने। तब कार्रवाई करें, यही तो है। क्या कर रहा है? वो हादसे का इंतजार कर रहे हैं उनका, कार्रवाई बनता क्यों नहीं? कई बार उसकी लिखित सूचना जा चुकी है, ये मास्टर हमारे प्रधान होने के पहले भी दे चुके हैं। बरदल, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? दो बच्चे हैं। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? एक तीन में पढ़ते हैं, दो में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है स्कूल में? स्कूल में दिक्कत यही है कि यहाँ पर पढ़ाई बढ़िया होती है और स्कूल की पोजीशन खराब है। क्या बिल्डिंग टूटी है, यहाँ पढ़ाने में दिक्कत होती है। बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें दिक्कत होती है पढ़ाने में। क्या दिक्कत होती है पढ़ाने में? पढ़ाने में दिक्कत ये होती है कि हम गरीब आदमी हैं, पैसे हमारे पास नहीं है। हम अगर पैसे ही हमारे पास होता तो हमें अंत नहीं पढ़ा लेते प्राइवेट स्कूल में। क्या मजबूरी पढ़ा रहे हो? मजबूरी में साथ पढ़ा रहे। डर लगता है यहाँ बच्चे भेजते हुए? अरे डर तो बिल्कुल लगता है, डर नहीं लगता क्या? किस तरह का डर लगता है? डर लगता है बिल्डिंग बैठ जाने की। अब बच्चों को पढ़ाना इसलिए भेजते हो? हाँ, बच्चों अपने मजबूरी हमारे सामने पढ़ाने की। क्यों, बच्चों को और पढ़ा नहीं सकते यहाँ पर? अब यहाँ पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बढ़िया होती है, लेकिन बाहर नहीं पढ़ा सकते हो? बाहर क्यों पढ़ा सकते हैं? बाहर हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर बिल्डिंग नहीं सुधरती है तो फिर बच्चे हटा लोगे यहाँ से? हाँ, तो बिल्कुल हटा लेंगे बच्चे। क्यों हटाओगे? अब जब यहाँ बिल्डिंग के बच्चे दब पाएंगे क्या? बच्चे मर जाएंगे या दब से दब कर नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे। तब पाँच अच्छी होती है। यहाँ पर टूटी फूटी है बिल्डिंग, यहाँ पर छेद है, खिड़की भी टूटी है, पता नहीं कब गिर पड़े, पानी भी बरसता है, भर जाता है। किनारे बिछा लेते हैं। डर लगता है, पता नहीं कब गिर पड़े, मर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। क्यों पढ़ते हो? अच्छी पढ़ाई होती है, हम लोग हैं पढ़ पाते हैं यहाँ पर। पढ़ लें, बड़े हो जाएं, कुछ बन जाएंगे पढ़ के। यहाँ की सर बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2013 में जब से हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तब से लगातार इसी तरह की स्थिति है, और इसकी जानकारी हम कई बार दे चुके हैं विभाग में, लिखित जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके इस संबंध में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, मतलब संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इंतजार करते हैं अधिकारी हादसे का? सर हमने कई बार कहा, हमने कहा सर अगर भवन गिर जाएगा तो उसकी कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी, लेकिन अभी मेरी कोई सुन नहीं रहा है।
तो हमने ये भी कहा कि हमें सर ये बताएं कि अगर बिल्डिंग खराब है तो या तो हमें ऐसा कोई विकल्प बताएं कि हम दूसरी जगह बच्चों को बिठा लें, इसके लिए भी हमें लिखित कोई चीज़ नहीं दी गई। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं इस कक्षा में? बच्चे सर यहाँ पे कक्षा 5 के बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं? कक्षा 5 में सर 19 बच्चे हैं। अच्छा, टोटल 19 पंजीकृत हैं सर। टोटल कितने विद्यालय हैं, कितने बच्चे हैं? टोटल पंजीकृत 80, और सर यहाँ पे प्रेजेंटी अच्छी रहती है, 70-75% के आसपास बच्चे रहते हैं। 55-58 भवन की बात तो क्या क्या है, भवन जर्जर है, कैसे जर्जर है? सर भवन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसमें ये इसमें बच्चे जैसे साइड में अगर हाथ मारे इसमें प्लास्टर में तो ये अपने आप जड़ता है, जैसे वो सामने खराब है बिल्कुल हाथ जैसे लग जाए। हाँ सर, कई जगह फटी है बिल्डिंग, दसियों जगह फटी है सर। सुराख भी बाहर भी आर पार सुराख है? जी आर पार। क्या है तो आर पार मतलब अंदर रोशनी आ जाती है सूर्य की, इतनी फटी है सर। तो क्या इंतजार कर रहे हैं अधिकारी हादसे का? अब सर हम क्या बताएं सर, हम अपना काम कर चुके हैं, सूचना दी कई बार दी और हर बार सर हमारे लिए यही परेशानी है, जब भी जाते हैं सर कार्यालय में तो हम इस मेरा प्रथम मुद्दा यही रहता है कि सर हमारा भवन बहुत खराब है। कैसे क्या बरसात में सर पूरी बिल्डिंग से पानी गिरता है। कैसे पढ़ाते बच्चे? अब सर जब हम विद्यालय जैसे रात में बारिश हुई तो सर सुबह खोला विद्यालय तो बारिश हुई, फिर कैसे पढ़ाएं? तो दिन में सर बारिश होती है, अब क्या करें सर, बैठना पड़ता किनारे, इधर जहाँ कहीं जगह बचती है जहाँ पानी नहीं होता वहीं भी इकट्ठे करते हैं बच्चे। क्या डर रहता है? अब डर क्या सर, बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है, जब बारिश में बैठने के भी जगह टाट पट्टी सब भीग जाते हैं सर, कभी कभी तो बच्चों को खड़ा रहना पड़ता किनारे, अब बिना टाट के बिठाना पड़ता हमको। मौत सामने है जी सर। क्या लगता है? अब ये लगता है सर कि किसी समय गिर जाएगी और मतलब अगर भवन गिरेगा तो फिर क्या होगा आगे, मतलब मौत होगी।